नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 से 2023 के अंतर्गत संविदा आधारित भर्ती हेतु संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। मेन्यू दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने रिक्रूटमेंट का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। IRGY अर्बन एडवर्टाइजमेंट नंबर 77/2022 का लिंक हमें दिखाई देगा। व्यू दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 7/7/2022 विज्ञप्ति। विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 6/6/2022 एवं विज्ञप्ति दिनांक 17/6/2022 के अनुक्रम में कार्मिक विभाग की अधिसूचना 11/1/2022 में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज्य स्तर पर निम्न पदों की सेवाएं संविदा पर लिए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक आवेदक व्यंकटेश अथवा ईमेल आईडी दी गई है। पर दिनांक 21/7/2000 तक, डेट अंतिम तिथि है 21/7/2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों द्वारा पूर्व में विज्ञप्ति दिनांक 6/6/2022 के अंतर्गत किए गए समस्त आवेदन निरस्त किए जाते हैं। इच्छुक आवेदक इस विज्ञप्ति के अंतर्गत पुनः नवीन आवेदन प्रस्तुत करें। तो इस तरह से स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जो आवेदन मांगे गए थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करना होगा। अब बात करेंगे हम पदों की संख्या, पदनाम एवं वर्गीकरण के संदर्भ में। लेखा मैनेजर स्टेट MIS मैनेजर की एक पद हैं। लेखा सहायक के 2 पद हैं। MIS मैनेजर के 4 पद हैं। यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है सामान्य अनारक्षित श्रेणी में, तो सामान्य के पद इस प्रकार रहेंगे और महिला अभ्यर्थियों के पद इस प्रकार रहेंगे। संविदा नियुक्ति प्रथमतः 31/3/2023 तक प्रभावी रहेगी। अब बात करेंगे हम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के बारे में। लेखा मैनेजर के लिए CA ICWA CS उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। स्टेट MIS मैनेजर के लिए MCA, लेखा सहायक के लिए BCOM या CA इंटरमीडिएट, IPC ICWA इंटर CS इंटर, MIS मैनेजर के लिए BSc BCA उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। निर्धारित मानदेय जिसमें संशोधन किया गया है वो इस प्रकार रहेगा। लेखा मैनेजर के लिए 25,000 प्रतिमाह है। स्टेट MIS मैनेजर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह है। लेखा सहायक के लिए 12,000 रुपये प्रतिमाह है। MIS मैनेजर के लिए 12,000 रुपये प्रतिमाह है। इसमें संशोधन किया गया है। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी होने की स्थिति में यहाँ पर 5 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट का प्रावधान यहां रखा गया है।
राष्ट्रीयता के संदर्भ में जानकारी दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन किस प्रकार करना है। उक्त पदों हेतु आवेदन करने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। पर दिए गए विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का निर्धारित प्रारूप एवं अन्य विवरण का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे। तदुपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात आवेदन करें। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में आवेदन करें। आवेदन करने की अवधि, अंतिम तिथि है 8/7/2022 से लेकर 21/7/2022 सायं 6 बजे तक। व्यंगतीस स्वायत्त शासन विभाग कमरा नंबर संख्या 412 में अथवा ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पर जमा करा सकता है। आवेदन का प्रारूप संलग्न है। चयन की प्रक्रिया तो संविदा भर्ती पूर्णतः मेरिट आधार पर होगी। अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। विवाह पंजीयन, नियुक्ति के लिए अयोग्यताएँ, विवाह की वेबसाइट आदि का विवरण यहाँ पर दिया गया है। अब बात करेंगे हम आवेदन प्रारूप के संदर्भ में। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत संविदा भर्ती हेतु आवेदक का फोटो होगा, विज्ञापन संख्या, दिनांक, आवेदित पद का नाम, ईमेल आईडी, व्यक्तिगत विवरण जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, मोबाइल नंबर, धर्म, विशेष श्रेणी, पहचान, आईडी प्रूफ, संख्या, मूल निवास, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्थिति, संतान संबंधी विवरण, कुल जीवित बच्चों की संख्या कितनी है, संपर्क विवरण, पत्राचार का पता, स्थायी पता, शैक्षणिक स्तर जिसमें माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य योग्यताएं, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे और संबंधित जिस पद के लिए हम आवेदन कर रहे हैं उस पद से संबंधित योग्यताओं की जो मार्कशीट है, फोटोकॉपी है, वो हमें साथ में संलग्न करनी होगी। तो यहाँ पर योग्यता के संदर्भ में जानकारी दी गई है। लेखा मैनेजर के लिए सी ए, आई सी डब्ल्यू या सी एस होना चाहिए। स्टेट एम आई एस मैनेजर के लिए एम सी होना चाहिए। लेखा सहायक के लिए बी कॉम या सी ए इंटरमीडिएट होना चाहिए। एम आई एस मैनेजर के लिए बी सी ए होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरिट बेस पर जो सिलेक्शन किया जाएगा। इस पी डी फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्व में जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया था, अब नवीन जो यहाँ पर है विज्ञप्ति जारी की गई है और आवेदन करने हेतु एक निश्चित समय दिया गया है। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहें RBSE वित्त HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।